हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और आप उसके साउंड को यहां पर ऑफ रखना चाहते हैं विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, तो आज वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में आपको बने रहना है विदाउट स्किप किए। मेरा नाम है ब्रिज, आप देख रहे हैं मेरा हैक चैनल ब्रिज हैक चैनल। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आपको लाइक करना जरूर से जरूर है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना जो है यहाँ पर ये मोबाइल रखा हुआ है और इस पर मैं कॉल करूँगा और सामने वालों को आपको बताऊँगा कैसे आपको ये ट्रिक अपनाना है। तो उसके पहले आपको जो मैं सेटिंग बताऊँगा उन सारी सेटिंग को सबसे पहले आपको कर लेना है और आप भी जो अनाउंसमेंट होता है कॉल रिकॉर्डिंग का उसको यहाँ पर बंद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अपने यहाँ पर टेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे टेक्स्ट क्लिक करेंगे लिखेंगे तो टेक्स्ट टू स्पीच का एक नया ऑप्शन आ जाएगा और जैसे मैंने आपका सेटिंग यहाँ पे होगा, जैसे मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ तो आपका सेटिंग कुछ इस तरह से होगा। तो इसको क्या कर देना है, टेक्स्ट रेट का जो है स्पीच रेट है उसको आपको यहाँ पर बढ़ा देना है। इस तरह से जब आप बढ़ा देंगे तो आपका टेक्स्ट स्पीच कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका टेक्स्ट स्पीच आ जाएगा जिसका रेट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, स्पीच का रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ट्रिक कैसे ये काम करता है। अब देखिएगा, आप हमको बताइएगा कि आपको ये पता लगा या नहीं पता लगा। यहाँ पर देखिए, मैं कॉलिंग पे गया और मैंने यहाँ पर 198 पर कॉल कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉल जाने लगा है, फिर मैंने स्पीकर पे किया, फिर यहाँ पर मैंने क्लिक किया, फिर रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया। तो आपको समझ नहीं आएगा, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ऑफ किया, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है कुछ इस तरह से, देखिए ऐसे, तो इस तरह से इसकी वॉइस जो है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा। इस तरह से आप अपने अनाउंसमेंट को जो है चेंज कर सकते हैं पूरा विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।